U.S. Consulate General Karachi partners with sports personalities to raise awareness and inspire action to combat climate change. Assalamu alaikum. मैं हूं हसन सरदार. मैं आज अमरीकी कौंसिल खाना कराची में अमरीकी और पाकिस्तानी साथियों के साथ आपको रीसाइकिलिंग के फवायद पर आगाही फराम कर रहा हूं. क्या आपको मालूम है कि प्लास्टिक की 10 बोतलें रीसाइकिल करने से हासिल शुदा तवनाई एक लैपटॉप को 25 घंटे तक चला सकती है. एक टन कागज़ को रीसाइकिल करने से 322 गैलन पेट्रोल इस्तेमाल करने के बराबर तवनाई की बचत हो सकती है. एक टन एल्यूमिनियम के डब्बों को रीसाइकिल करने से 21 बैरल के बराबर की तेल की बचत होती है. रीसाइकिलिंग से माहौलियाती आलूदगी कम होती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकती है. रीसाइकिलिंग से तवानाई की बचत होती है. रीसाइकिलिंग कुदरती वसाइल को महफूज करती है और जंगली हयात को तहफ़ देती है. तो आएँ हम सब मिलकर पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बनाने के लिए रीसाइकिलिंग को बढ़ाएँ. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यूनस खान. मैं आज अमरीकी कौंसल खाना कराची में अमरीकी और पाकिस्तानी साथियों के साथ आपको दरख्तों की अफादियत पर आगाही फराम कर रहा हूँ. दरख्त भी सड़कों, इमारतों और तफरीही सहूलियात की तरह कम्युनिटी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं. दरख्त ऑक्सीजन पैदा करके और कार्बन डाइऑक्साइड कम करके आबो हवा की तब्दीली का मुकाबला करते हैं. दरख्त आलूदगी फैलाने वाले गैसों को जज्ब करके ज़रात को अपने पत्तों और छाल के ज़रिए फिल्टर करके हवा को साफ करते हैं. दरख्त गलियों को साया फराहम करके और अपने पत्तों के ज़रिए पानी के बहारा छोड़कर शहरों का दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री कम करते हैं. दरख्त मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं. शहरी इलाकों में दरख्तों की मौजूदगी ज़हनी और नफ्सियाती सेहत को बेहतर बनाते हैं. 1 साल में 1 एकड़ पर लगे दरख्त 18 लोगों के लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं. तो आएँ हम सब मिलकर पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं. आज मैं अमरीकी कौंसल खाना कराची में अमरीकी और पाकिस्तानी साथियों के साथ मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए शमसी तवानाई के फवायद के बारे में आगाही फराहम कर रहा हूँ. शमसी तवानाई के ज़रिए साफ तरीन तवानाई का असूल मुमकिन है जो माहौल दोस्त है. शमसी तवानाई का इस्तेमाल फ़ज़ाई आलूदगी को कम करता है क्योंकि फॉसिल फ्यूल फ़ज़ाई आलूदगी का सबसे बड़ा सबब है. शमसी तवानाई से पानी की बचत होती है. शमसी तवानाई बिजली की लागत को कम करती है. तो आएँ हम सब मिलकर पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बनाएँ और शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ाएँ. अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजरा खान पाकिस्तान नेशनल वुमेन्स फुटबॉल टीम की कैप्टन हूँ. मैं आज अमरीकी कौंसिल खाना कराची में कचरा खुलेआम जलाने के नुकसानात और मौसमियाती तब्दीली पर उसके असरात पर आगाही फराहम कर रही हूँ. खुलेआम कचरा जलाना इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है क्योंकि इससे धुआं पैदा होता है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, मुख्तलिफ ज़र्रात, भारी धातें और तेज़ाबी गैसेस शामिल हैं. ये गैसेस माहौल और इंसानी सेहत के लिए जहरीली हैं जिनसे कैंसर, पैदाइशी नकायस, दिल की बीमारी और सांस की बीमारियां हो सकती हैं. लिहाजा अपने इलाके को आलूदगी से महफूज रखने के लिए कूड़ा हमेशा महफूज तरीके से ठिकाने लगाएं. आए हम सब मिलकर पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बनाएं. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं क्रिमला खान पाकिस्तान फुटबॉल टीम का कैप्टन और आज मैं अमरीकी कौंसिल खाना कराची में हूँ ताकि हम मौसमियाती तब्दीली के असरात पर बात कर सकें. क्या आपको मालूम है कि कराची ने हालिया बरसों में शदीद गर्मी के मोहलिक असरात का सामना किया है. कराची अब दुनिया के उन शहरों में शामिल हैं जिसको मौसमियाती तब्दीली से शदीद खतरात हैं और कराची के शहरों को हर साल मौसम गर्मा में हीट वेव का सामना करना पड़ता है. मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर माहौलियाती आलूदगी को कम करें. तो कोशिश करें कि अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ाएं
जहां तक मुमकिन हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या राइड शेयरिंग करें ताकि माहौल में कम से कम आलूदगी शामिल हो। कूड़ा क्रिकेट को जलाएं नहीं बल्कि महफूज तरीके से टकाने लगें। तो आए हम सब मिलकर पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बनाएं।